आज हम पढ़ेंगे बेटा मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 11th 12th के बच्चों को आना चाहिए, वो है बेटा डिफरेंशिएशन। तो पहले डिफरेंशिएशन का थोड़ा मतलब समझेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। अब देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हैं। डिफरेंशिएशन होता क्या है? जैसे ये कोई कर्व है, इस पे दो पॉइंट मान लेते हैं। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। इसको ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं इसे। तो बेटा ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा कोऑर्डिनेट के हिसाब से y2 माइनस y1, और ये डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1। इस एंगल को थीटा ले लेते हैं। तो स्लोप पहले समझते हैं, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। स्लोप होता है टेन थीटा, और टेन थीटा यहाँ से होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। स्लोप को बेटा m भी बोलते हैं। तो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला आ गया वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अब सपोज मैं इस लाइन को पीछे लेता हुआ जाऊं, ये जो मेरे लाइन बनाई है मैंने, जिसका स्लोप निकाला है, इसको मैं पीछे लेता हुआ जाऊं, तो तुम देखोगे कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 की वैल्यू कम होती जा रही है। y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 की वैल्यू कम होती जाएगी, और जब ये बिल्कुल ही कर्व को टच करेगी, यहाँ पर सबों से कर्व को टच कर रही है, तो ये वैल्यू जो है y2 माइनस y1 की और x2 माइनस x1 की वैल्यू इस पॉइंट पे बहुत ही कम हो जाएगी। जब ये वैल्यू बहुत कम हो जाती है तो y2 माइनस y1 जब टेंडिंग टू जीरो होता है तो उसे हम कहेंगे dy, और जब x2 माइनस x1 टेंडिंग टू जीरो होता है तो उसे हम कहेंगे dx। यानी tan थीटा जो हो जाएगा वो dy अपॉन dx हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। tan थीटा बन जाएगा dy अपॉन dx, और tan थीटा को हम स्लोप भी कहते हैं। तो dy अपॉन dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्चुअली में फिर इससे हमें पता क्या लगा डिफरेंशिएशन क्या है? तो डिफरेंशिएशन इज एक्चुअली फाइंडिंग अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन इज एक्चुअली अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ कर्व। डी वाई अपॉन डी एक्स को ऐसे भी कहते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, चेंज इन वाई विथ चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स को भी हम डी वाई अपॉन डी एक्स कहते हैं, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे पढ़ेंगे बेटा इसे? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो ये चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स भी पढ़ सकते हैं ऐसे। तो डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मतलब है टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ पॉइंट ऑन अ कर्व। तो हर पॉइंट पर अलग टेंजेंट बनेगा, तो हर पॉइंट पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू अलग आएगी। तो ये न्यूटन ने डिस्कवर किया था फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कि डिफरेंशिएशन से हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन का मतलब समझ भी नहीं आया हो तो भी कोई बात नहीं है, हम डिफरेंशिएशन करना तो सीख ही सकते हैं। सपोज वाई जो है एक्स की पावर एन एक फंक्शन है, तो बेटा उसका डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है ये फॉर्मूला है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसे याद रखना चाहें पावर को बेटा आगे लिख लो, पावर में से वन माइनस कर दो। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। इसे ऐसे भी कह सकते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, दोनों बातें एक ही हैं। डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। और याद करने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है, पावर को आगे लिख लो, पावर में से वन माइनस कर दो। सपोज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या करेंगे पावर को आगे लिख लेंगे, पावर में से वन माइनस कर देंगे, तो इट्स टू एक्स। सपोज आपको डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स की पावर थ्री दे रखा है, सॉरी सपोज आपको वाई जो है एक्स की पावर थ्री दे रखा है और आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो ये बहुत ही सिंपल है, पावर को आगे लिख लो, पावर में से वन माइनस कर दो, तो इट्स थ्री एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स का, चेंज इन वाई विद चेंज इन एक्स। अगर आपको चेंज इन एक्स दिया हुआ है और आप चेंज इन वाई निकालना चाहते हैं तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चेंज इन एक्स दिया होगा, चेंज इन वाई निकालने के लिए आप डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब एक्स में कुछ चेंज आ रहा है तो वाई में कितना चेंज आएगा इस बात को निकालने के लिए भी डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखिए और एग्जांपल देखिए, ये फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं, थर्ड देखिए बेटा एग्जांपल। सपोज जो है वाई जो है रूट एक्स है, तो हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ। तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स कितना सिंपल होगा, कुछ नहीं करना है, पावर को आगे लिख लो बेटा, पावर में से वन माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा बेटा हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हाफ एक्स की पावर हाफ, तो पॉजिटिव पावर बढ़ाने के लिए ये माइनस वाला जो पावर है नीचे ले आया हूँ, तो पॉजिटिव बन गई है। फाइनल आंसर पॉजिटिव में रखते हैं, इससे आसानी होती है। फोर्थ, जैसे वाई इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एक्स है, तो दिस कैन बी रिटन एज वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस हाफ। कैसे बेटा, ये एक्स की पावर हाफ हो जाएगा, जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, और अगर हम इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो बहुत ही सिंपल है, पावर को आगे लिख लो, पावर में से वन माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू। और मैंने बताया है इसको फिर पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस हाफ वन अपॉन एक्स की पावर थ्री बाई टू। तो बेटा ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है डिफरेंशिएशन करना, इस फॉर्मूले के हिसाब से केवल इतना ही समझ में आया हमें कि पावर को आगे लिख लो, पावर में से वन माइनस कर दो। कुछ और डिफरेंशिएशन भी देखते हैं। जैसे वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब है और हमें इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो बड़ा सिंपल है, पावर को ये थ्री ऐसी रहेगा, पावर को आगे लिख लो, पावर में से वन माइनस कर दो, तो इट्स नाइन एक्स स्क्वायर। तो इतना सिंपल होता है। अब देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
वाई है सपोज कोई कांस्टेंट 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब इसमें एक्स नहीं है, इसमें केवल कांस्टेंट है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू सी एक्स की पावर 0। तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो सी 0 एक्स की पावर 0 माइनस 1, तो बेटा ये हो गया 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा 0 होता है। और आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज भी समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वाई 4 है तो वाई फिक्स है, तो हम चेंज इन वाई निकाल रहे हैं विथ चेंज इन एक्स, पर वाई तो चेंज ही नहीं हो रहा एक्स के संग, तो चेंज इन वाई विथ चेंज इन एक्स तो 0 आएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए वाई इज इक्वल टू बेटा ऐसे दे रखा फंक्शन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सपोज ऐसा दे रखा है और आप इसे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो बेटा बहुत ही सिंपल है, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी पावर 3 है तो पावर को आगे लिख लो पावर में से 1 माइनस कर दो, पावर को आगे लिख लो पावर में से 1 माइनस कर दो। अब एक्स की पावर नहीं दे रखी है तो ये एक्स की पावर 1 हो गया, तो पावर को आगे लिख लो पावर में से 1 माइनस कर दो। और कांस्टेंट अगर अकेला है, अकेला ध्यान रखना कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3x² प्लस 2x प्लस एक्स की पावर 0 1 हो गया, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। और देखते हैं जैसे वाई इज इक्वल टू है 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x² प्लस 3 अपॉन x³ प्लस 4, सपोज ये है, इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पावर में लिखेंगे जिससे हम फॉर्मूला लगा सकें। तो इसको x की पावर 1 लिखेंगे, इसको बेटा हम एक्स की पावर -2 लिखेंगे, इसको 3x³ लिखेंगे, इसको 4 ही रहने देंगे। अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है वो -1x² -1 -1, पावर को आगे लिख लिया पावर में से 1 माइनस कर दिया 2। अब इसकी पावर बेटा -2 है तो -2 को आगे लिख लिया और पावर में से 1 माइनस कर दिया प्लस 3, पावर को आगे लिख लिया और पावर में से 1 माइनस कर दिया। और ध्यान रखें कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -1 अपॉन x², ये -2 आएगा नीचे आके +2, तो ये -4 अपॉन x³ -9 अपॉन x⁴ +0, तो ये आंसर आ गया फाइनली। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं फंक्शंस का। अब इसके अलावा बेटा और भी फॉर्मूले होते हैं जो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें पता होने चाहिए, तो वो फॉर्मूले और देखते हैं। पहला फॉर्मूला बेटा ये है डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस एक्स होता है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है -sin x होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec²x होता है। बेटा ये याद करने पड़ेंगे, ये फॉर्मूले हैं मैथ्स में, तुम्हें डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से ये ड्राइव भी करके सिखाए जाएंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का होता है -cosec x cot x। डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का होता है sec x tan x। डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का होता है बेटा -cosec²x। और डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स टू द बेस ई को हम ln x भी कहते हैं। डी वाई डी एक्स ऑफ ln x, ln x मतलब नेचुरल लोगैरिथम होता है
और लॉग एक्स टू द बेस ही एक ही बात है, तो इसका बेटा वन अपॉन एक्स होता है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बदलता नहीं है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है बेटा, अब हम प्रोडक्ट रूल समझते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल, अगर आपको ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है, तो प्रोडक्ट रूल बहुत ही सिंपल होता है। प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल, जैसे बेटा वाई इज इक्वल टू यू वी है, यू और वी दो अलग अलग फंक्शन है और इन आपस में इनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो जब दो वैल्यू दो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा होता है, तब हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? तो इसका फार्मूला है, बड़ा सिंपल है। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखेंगे, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बेटा साइन एक्स है, तो ये दो फंक्शन है, साइन एक्स एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएट करने के लिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखेंगे, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस बेटा सेकेंड फंक्शन को ऐसे रखेंगे साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। इसको कैसे डिफरेंशिएट करते थे? पावर को आगे लिखेंगे, पावर में से वन माइनस कर देंगे, तो बेटा कितना हो गया? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस बेटा ये टू एक्स आएगा, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो कि ये एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक्स से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये पूरे साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टू एक्स साइन एक्स। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा इसका? तो एक्स क्यूब को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स को ऐसे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, और फिर साइन एक्स को ऐसे रखेंगे और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बेटा थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैंने बताया आपको एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और इसको आगे लिख लेते हैं थ्री एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो ये इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, किसी को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ और एग्जांपल भी बता देता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है, पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे लॉग एक्स, फिर दूसरे वाले को ऐसे ही रखेंगे और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे टू एक्स। तो ये सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस टू एक्स लॉग एक्स। तो बेटा इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। और देख लो, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो आएगा ई की पावर एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, पहले वाले को ऐसे लिखेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे वाले को ऐसे लिखेंगे और पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, तो ये आ गया आपका माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स। तो ये हम कर सकते हैं, कुछ भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्रोडक्ट रूल क्या है। अब मैं एक डिवीजन रूल भी बता देता हूँ। डिवीजन रूल भी सिंपल सा है, थोड़ा सा फर्क है बस। सपोज जो है वाई इज इक्वल टू यू अपॉन वी है, और आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना चाहते हैं, डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मूला ऐसे याद रखेंगे, नीचे वाले का बेटा स्क्वायर कर लो, यानी v का स्क्वायर कर लो, फिर v को ऐसे लिखो और u को डिफरेंशिएट करो, माइनस u को ऐसे लिखो और v को डिफरेंशिएट करो। तो इसमें बीच में माइनस आता है, ये ध्यान रखना है, इसमें प्लस नहीं आता है। क्या फॉर्मूला है? v का
वी का नीचे वाले का स्क्वायर कर लो, वी का स्क्वायर कर लो, फिर वी को ऐसे लिखो, यू को डिफ्रेंशिएट करो, माइनस यू को ऐसे लिखो, वी को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी बात। जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स है, तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले नीचे वाले टर्म का स्क्वायर कर लो, साइन एक्स का स्क्वायर कर लो, ठीक है। फिर साइन एक्स को ऐसे लिखो और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो, कैसे करेंगे? टू एक्स टू माइनस वन, माइनस ऊपर वाले को ऐसे लिखो और फिर नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर लो, साइन एक्स का होगा बेटा कॉस एक्स। फिर आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, टू एक्स साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर बोलो या साइन स्क्वायर एक्स बोलो, बात एक ही है। तो ये डिवीजन रूल है। और देख लेते हैं एग्जांपल, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन लॉग एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले से? तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर कर लेंगे, तो लॉग एक्स का स्क्वायर कर लिया, फिर लॉग एक्स को ऐसे लिख लिया और ऊपर नीचे वाले को ऐसे लिख लिया, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किया थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस ऊपर वाले को ऐसे लिखा और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट किया, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन एक्स। तो ये बेटा सॉल्व करके आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं।